अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज माय लेक्चर नंबर 9, सब्जेक्ट एसएसटी क्लास 3। इन द लेक्चर नंबर 9 वी टॉक अबाउट लेसन नंबर 2 मैथ्स। मैथ्स से हम सबसे पहले तो इसके रीडिंग की बात करते हैं, रीडिंग पेज नंबर 8 एंड 9 एंड इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। सो स्टूडेंट्स टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन योर पेज नंबर 8। तो मैप जो है वो किस लिए यूज किया जाता है, मैप्स क्या है, मैप्स में कौन कौन सी चीजें शो होती हैं, किस किस चीज को शो किया जाता है। सबसे पहले मैप्स आर यूज टू शो द सर्फेस ऑफ द अर्थ। मैप जो है जमीन की सर्फेस को, इसकी शेप को और एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ द प्लेसेस, इसको शो करने के लिए जो हम मैप्स है यूज करते हैं। मैप्स आर यूज टू शो द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अ मैप शोज द शेप ऑफ द लैंड और द सी। अ मैप आल्सो शो वेयर प्लेसेस एंड लैंड फॉर्म्स आर लोकेटेड। मैप्स जो है हर चीज, मतलब के जो सीज होते हैं, लैंड होते हैं, लैंड फॉर्म्स होते हैं हमारी अर्थ पे, जितनी भी मतलब किस तरह की चीजें हैं उनकी जो प्लेसेस को शो किया जाता है और उनकी एग्जैक्ट पोजिशन। अब हमें किसी चीज के पोजिशन नहीं पता चल रही, हम लोग मैप लेंगे, मैप खोलेंगे और हमें हम उस प्लेस की, उस जगह की जो है एग्जैक्ट पोजिशन को फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे आपके पेज नंबर 8 के ऊपर डिफरेंस दिया गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पिक्चर एंड अ मैप। एक मैप में और एक पिक्चर में डिफरेंस क्या होता है। अब देखिए आपकी लेफ्ट साइड पे जो है पिक्चर वो है अ पिक्चर ऑफ अ स्ट्रीट एंड द राइट साइड पे जो आपका है एक मैप ऑफ द सेम स्ट्रीट। दोनों स्ट्रीट का जो है उन्होंने पोजिशन दिखाई गई है कि इस जगह पे ये चीजें हैं, लेकिन एक तो उन्होंने पिक्चर शो की है और दूसरी साइड पे उन्होंने मैप। मैप जो है हमें हर उस पिक्चर में जो जो चीजें हैं, लाइक होटल है, हॉस्पिटल है, स्कूल्स हैं, शॉप्स हैं, जो भी पॉइंट्स हैं उनको उन्होंने पॉइंट को शो किया गया। लेकिन एक स्ट्रीट के ऊपर बहुत सी चीजें हैं लेकिन उनको मेंशन नहीं किया गया कि इस जगह पे, इस पॉइंट पे क्या क्या चीज है। तो ये डिफरेंस है पिक्चर और मैप में। मैप से हम इजीली किसी चीज को, की प्लेस पोजिशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अ मैप शोज अस द एग्जैक्ट पोजिशन एंड शेप्स ऑफ समथिंग। मैप्स कैन नॉट यूजली शो द ट्रू और एक्चुअल साइज ऑफ अ प्लेस। जरूरी नहीं है कि मैप आपको किसी भी चीज, किसी भी जगह की एक्चुअल साइज हमें टोटल की माप के हमें बता रहा होता है कि इसकी इतनी साइज, इसका ये, इसकी लेंथ ये है, ये इस जगह पे है। बिल्कुल भी ट्रू नहीं होता है, एक्चुअल साइज भी नहीं हमें पता। बट ऑन अ मैप दे आर ड्रॉन टू स्केल। उन्होंने स्केल ड्रा किए होते हैं, वहां पे कीज होती हैं, सिंबल्स बताए गए होते हैं जिसकी मदद से हम लोग उन प्लेसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू शो अ ट्रू डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर वी माइट यूज अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप। अब उन्होंने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस दिया गया तो हम मैप के जरिए किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। दिस इज रिटन एज 1 रेशियो दिया है 1000, मतलब कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 एंड 1 सेंटीमीटर। इट कैन ऑल्सो बी शोन एज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, इट्स मीन 1000। एवरी मैप मस्ट हैव अ स्केल क्लास। आप लोग जो है पेज नंबर 8 के ऊपर ये स्केल देख सकती हैं, उन्होंने 0 से लेके 5 तक वो है सेंटीमीटर या किलोमीटर का जो उन्होंने स्केल ड्रॉ किया हुआ है। ऑन अ मैप वेर एवरी फीचर कैन नॉट बी शोन एज इट इज। मैप पे बिल्कुल भी फीचर ये नहीं होते कि उन्होंने एज इट इज जैसे हों वैसे ही शो किए, बल्कि इसके लिए उन्होंने सिम्बल्स जो है वो यूज किए जाते हैं। सो सिम्बल्स आर यूज टू शो दैम। सिम्बल्स को यूज किया जाता है ताकि हम किसी भी चीज की जगह की, लाइक होटल है, हॉस्पिटल्स है, पॉन्ड है, रिवर है, मॉस्क है, तो उनके लिए उन्होंने सिम्बल्स को रखा होता है जो हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ रिवर इज शोन एज अ वेवी ब्लू लाइन। तो वेवी ब्लू लाइन किस चीज को शो कर रहा है, लाइक वो एक रिवर को शो कर रहा है। फॉर और अगर ट्रीज होंगे, बहुत से ट्रीज होंगे तो वो किस चीज को कर, लाइक दिस इज अ फॉरेस्ट। दिस सिंबल्स और साइंस आर एक्सप्लेन इन द की। ये जो सारे सिंबल्स होते हैं ये की में इन्होंने एक्सप्लेन किया होता है। एवरी मैप मस्ट हैव अ की, हर एक मैप की एक की दी गई होती है। इट इज इम्पोर्टेंट टू शो, और की किस लिए होती है, टू शो द डायरेक्शंस ऑन अ मैप। हम की को यूज करते हैं मैप पे डायरेक्शंस को शो करने के लिए। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू लोकेट अ प्लेस, दीज आर द 4 कार्डिनल कंपास डायरेक्शंस। 4 कार्डिनल कंपास आपको पता है, 4 डायरेक्शंस जो इम्पोर्टेंट है वो शो की गई होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ऑन अ मैप दिस इज शोन एज एन, उन्होंने जस्ट एक वन सिंबल से उन्होंने शो किया होता है, लाइक एन मीन नॉर्थ, एस साउथ, ई ईस्ट एंड डब्ल्यू वेस्ट। अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस। जो मैप की बुक होती है हम उसे क्या कहते हैं, एटलस।
सो नेक्स्ट क्लास टेक आउट योर पेज नंबर 9. पेज नंबर 9 पे देखें, आप लोगों का एक मैप ड्रा किया गया हुआ है. वहाँ पे उन्होंने स्केल भी मेंशन किया है, की भी मेंशन की है. की में उन्होंने हर मतलब कि जो जो लोकेशन थी, प्लेसेस थी, उनके नेम मेंशन किए कि ये चीज़ ये है. और मैप उन्होंने फुल ड्रा किया हुआ है जिसके अंदर जो जो चीज़ है उसको मेंशन किया गया. नेक्स्ट हम, देर आर 7 लार्ज एरियाज ऑफ लैंड शोन ऑन द वर्ल्ड मैप. वर्ल्ड मैप के 7 पे जो है 7 लार्ज एरियाज ऑफ लैंड जो है वो शो किए गए हैं. दीज आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स. दे ऑल हैव नेम. इन सबके अपने अपने नेम हैं. द ओशंस एंड सीज हैव नेम टू. ओशन और सीज के भी नेम हैं. अब यहाँ पे आप देखें, एक टेबल बनाया गया है. कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट किया एंड ओशंस को अलहदा किया गया. यूरोप, नंबर 1 यूरोप, नंबर 2 एशिया, नंबर 3 अफ्रीका, नंबर 4 एंटार्कटिका, नंबर 5 नॉर्थ अमेरिका, नंबर 6 साउथ अमेरिका एंड नंबर 7 ओशनिया. अब नेक्स्ट ओशंस की बात करते हैं. नंबर 1 पे पैसिफिक ओशन है, नंबर 2 अटलांटिक ओशन, नंबर 3 इंडियन ओशन, नंबर 4 आर्कटिक ओशन एंड नंबर 5 साउथर्न ओशन. सो क्लास ये थी हमारी रीडिंग. नेक्स्ट भी आपका एक और जो पेज नंबर 10 पे, वहां पे भी उन्होंने ड्रा किया हुआ है और कॉन्टिनेंट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने ओशंस को शो किया हुआ है. अब बात करते हैं हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस की. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई वुड ड्रा मैप्स. हम मैप्स को क्यों ड्रा करते हैं. आंसर, टू शो द सरफेस ऑफ द अर्थ वुड ड्रा मैप्स. हम किसी भी अर्थ को, किसी भी चीज की सरफेस को शो करने के लिए मैप्स को ड्रा किया जाता है, मैप्स को यूज किया जाता है. नंबर 2, व्हाट इज एटलस. आंसर है हमारा, अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस. नंबर 3, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड. हमारी वर्ल्ड में, जो पूरी दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं. देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वुड यू फाइंड इन एन एटलस. आप एटलस में क्या फाइंड आउट करते हैं, आपको क्या वहां से क्या फाइंड आउट आप लोग करते हैं. वी कैन फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स इन एन एटलस. हमें एटलस जो है ये मैप्स की बुक्स होती है. हम डिफरेंट जो है कंट्रीज और सीज और लैंड्स के जो उन्होंने मैप्स उन्होंने शो थे वो कह रहे हैं, वी कैन फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स इन एन एटलस. क्वेश्चन नंबर 5, ट्राई टू फाइंड द लोकेशन ऑफ पाकिस्तान ऑन अ वर्ल्ड मैप. इज इट इन द नॉर्थ, साउथ और इन द मिडल. आंसर, पाकिस्तान इज इन द नॉर्थ ऑन अ वर्ल्ड मैप. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.